गाइस आफ्टर मतलब बाइगुनी रिसोर्ट से निकलने के बाद हम लोग डायरेक्ट पहुंच गए महादेव के पास चारधाम। सो हम पहुंच गए नामची का चारधाम में। यहाँ भी बहुत ज्यादा ठंडा है। टिकट काउंटर, सो टिकट काउंटर पे टिकट करने के बाद हम लोग लेफ्ट साइड में आ गए। लेफ्ट साइड में आके ये हमारा भोलेनाथ का मूर्ति है और अभी निकल के हम लोग जा रहे हैं। सो वी हैव टू रिमूव आवर शू। फॉग की वजह से उतना अच्छा, उतना क्लियर दूर से नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी दिख रहा है। हर हर महादेव। तो चलते हैं, हम लोग और भी नजदीक जाने वाले हैं इसका। तो ये महादेव दूर से आप लोग देख रहे हैं, लेकिन फॉग की वजह से क्लियर नहीं आ रहा है उतना। सो वो रहा हमारा महादेव एंड यहाँ से हम लोग एंट्री ले रहे हैं। फिर से थोड़ा और नजदीक जाने वाले हम लोग। तो यहाँ है सब धाम, बद्रीनाथ धाम, गंगा जल धरा, द्वारका धाम, साई टेम्पल, जगन्नाथ धाम, सारा एरो किया ही हुआ है। तो यहाँ है सीरी जहां से हम लोग उठेंगे। ये रहा हमारा महादेव। सबको मिलके बोलो हर हर महादेव। तो सीरी चढ़ के जाएंगे अभी हम लोग ऊपर। इस तरफ एक मंदिर है राइट हैंड साइड। तो एग्जैक्ट यहाँ पे एक शिव मंदिर है। तो चलते हैं अंदर। ये आप सामने जो मूर्ति देख रहे हैं, ये नटराज मूर्ति है। तो ये है प्रेयर हॉल जो शिव मंदिर का एग्जैक्ट अंदर में है। वो जो नटराज मूर्ति था तो ये प्रेयर हॉल के अंदर ही था। प्रेयर हॉल से लेफ्ट हैंड साइड में एक और मंदिर है और इस तरफ भी एक छोटा सा मंदिर है। ये मंदिर है ओम कर्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। वाओ। और इस तरफ जो मंदिर है वो भी देख लेंगे। और ये है महाकाला ज्योतिर्लिंग। या हर हर महादेव। सो पीसफुल एंड यू ऑल गाइज कम हियर एंड विजिट दिस प्लेस। तो ये है बैद्यनाथ था ज्योतिर्लिंग। आप लोग जरूर 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 आइए ये जगह, और आप लोगों को भी बहुत बहुत अच्छा लगने वाला है। बहुत पीसफुल है और शांति भी है। भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए आइए यहाँ पे। ये और एक मंदिर है भीमा शंकरा ज्योतिर्लिंग। ये बैक साइड पे है और बैक साइड पे और मंदिर है यहाँ पे सेतु बंधा रामेश्वरम।
इस तरफ वॉशरूम है शायद, और यहाँ और एक मंदिर है श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। एक तो ठंडा वेदर, ऊपर से सोने पे सुहागा ये सोने पे सुहागा है कि क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन बारिश हो रहा है। और इस तरफ और मंदिर है विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग। यहाँ जो ऊपर जाने का रास्ता है उसमें नो एंट्री का गेट, नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है, तो हम लोग ऊपर नहीं जा सकते। हर हर महादेव। और यह और एक मंदिर है जो है श्री त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। सो पीसफुल ये जगह। और शी वॉन्ट्स टू से हाई टू ऑल ऑफ यू गाइज। एंड ठंडा बहुत है यहाँ पे, दिसंबर महीना चल रहा है, ठंडा तो ऑफकोर्स होना ही चाहिए। तो चलिए फिर से घूमना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे थोड़ा रेस्ट कर लिया हम लोगों ने। देश महादेव। तो ये हम लोग आ गए नीचे, एग्जैक्ट इसका ऑपोजिट में, मतलब ये जो शिव का मूर्ति है महादेव का, उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट में जहां से हम लोग एंट्री लिए थे, उसका लेफ्ट हैंड साइड में है बद्रीनाथ धाम। ये है बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम। और बद्रीनाथ धाम छोड़ के अभी हम लोग जा रहे हैं जगन्नाथ धाम की तरफ। बहुत बारिश हो रहा है, मैं शायद ही वीडियो कर पाऊ या ना पाऊ वही सोच रही हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है, चलना भी मुश्किल हो रहा है। तो ये है जगन्नाथ धाम। ये है जगन्नाथ धाम। सो डू प्रेयर फ्रेंड्स। थैंक गॉड कि हमारा ऑलमोस्ट सब कुछ घूमना हो गया था और उसके बाद बारिश स्टार्ट हुआ, इसीलिए एंडिंग का वीडियो ज़्यादा मैं नहीं दिखा पाई, लेकिन ऑलमोस्ट सब कुछ कम्प्लीट ही हो चुका था। तो अभी हम लोग जा रहे हैं